दीवार में चल रहे भंगार व्यापारियों के साथ गुंडाई। आप देख रहे हैं जज्बा न्यूज। दीवार में चल रहे भंगार व्यापारियों के साथ गुंडाई, इसी के चलते थाना सहारे स्क्रैप एसोसिएशन के अध्यक्ष अनीस कुरैशी और टाइगर के अध्यक्ष करीम खान पहुंचे मुमरा पुलिस स्टेशन। वहां जाके उन्होंने सीनियर पीआई मधुकरकर से कुछ खास बातचीत की। आइए जानते हैं हमारी इस खबर में। रहने माल रहने भी उसमें रहने ना, अभी बात होने के बाद उठाना, बात करने देना। तू वीडियो कॉल किसको दिखा? अनीस भाई, कल जो आपने धरना प्रदर्शन किया था, इतने लोगों को लेकर मुमरा पुलिस चौकी पहुंचे थे, आखिर क्या वजह थी इसकी? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज का, जज्बा न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे तक पहुंचे, आपको किसी ने खबर दी मालूम पड़ा, ठीक है, आपका धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यापारी के ऊपर मुसीबत आई तो अनीस कुरैशी खड़ा, और उसके साथ में और भी संगठन के लोग हैं, जैसे करीम क्रिकेट खान है, शिव टाइगर के अध्यक्ष है, थाना सारे स्क्रैप एसोसिएशन है, हमारा एक यूनियन है, बहुत बड़ी तादाद में सभासद है हमारे पदाधिकारी है। और जब भी कोई मसला ऐसा आता है तो हमको सबको एक होना पड़ता है, इकट्ठा होकर हम उस मसले को हल करते हैं। तो कल जो हम पुलिस स्टेशन पहुँचे थे, परसों के दिन हमारे एक व्यापारी का माल गाड़ी में से उतार के ले लिया गया है, कांटे वालों का माल छीन के लिया जाता है। कुछ दो तीन लुक्खे लोग हैं जो दादागिरी करते हैं, दादागिरी करके व्यापारियों को सताते हैं। तो वो मामला दिवे का सब लोग हमारे पास आए थे और इस प्रकार की शिकायत हमारे से बताई गई, तो इसको लेके हमने सीनियर साहब से बात की है, जो हमारे मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब हैं मधुकर कर साहब, उनसे मेरी बातचीत हुई। उस साहब ने बोले ठीक है, व्यापारियों का तो मैं हमेशा साथ देता हूँ, वेलकम, जो भी रहेगा अनीस भाई अपन देख लेंगे। तो कल हम लोग सब व्यापारी लोग जमा, व्यापारी मेरे पास जमा हुए और व्यापारियों को लेके मैं सीनियर साहब के पास बैठा हूँ। सीनियर साहब ने हमको उस विषय में अच्छी मदद की है, तत्काल कार्रवाई के लिए आर्डर दे दिए। शेड़के साहब, एपीआई शेड़के साहब है दीवार सेक्शन में, उनको तत्काल कार्रवाई करने के लिए आर्डर दिए। और साहब का धन्यवाद है, हमेशा व्यापारियों के साथ में व्यापारियों को मदद करते हैं। इसके पहले भी कई मैटर ऐसे हुए जो साहब ने हमको मदद की है। ये हमारे मुमरा सीनियर साहब है मधुकर कर साहब, जो व्यापारियों के साथ हमेशा रहते हैं। लगभग कितने लोगों को आप वहाँ पर लेके गए थे पुलिस स्टेशन में? पुलिस स्टेशन में अभी जितने लोग वहाँ पे हाजिर हो गए आ गए, उतने लोगों को मैं लेके गया हूँ। लॉकडाउन के पालन को करते हुए सोशल डिस्टेंस रखा हूँ और मास्क वगैरह लगा के सबको लेके गया हूँ, लेकिन अपने हिसाब से लेके गया हूँ, कायदे का उल्लंघन नहीं किया हूँ। तो इसमें कहीं ना कहीं करीम भाई भी दिखाई देते, तो करीम भाई का क्या कहना था इसके अंदर? करीम भाई थाने सारा स्क्रैप एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनको सील टाइगर का अध्यक्ष बनाया गया, तो वो हमेशा हमारे साथ में जोड़ के काम करते हैं। तो उनका भी कहना यही था कि मेरे हद्दी का, मेरे एरिया का काम है और ये होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम लोग ने नजरअंदाज ना करते हुए उस पर एक्शन ले लिया और सीनियर साहब से बात करके आगे काम बढ़ा दिए। अभी सीनियर सर ने आपकी मांग को एक्सेप्ट किया है? जी हाँ, एक्सेप्ट किया, तत्काल कार्रवाई के लिए आर्डर दिए और कार्रवाई भी होती है। सीनियर साहब हमेशा हमको मदद करते हैं, व्यापारी संगठन के साथ हमेशा है सीनियर साहब। अनीस सर, आपकी यूनियन कहाँ कहाँ चलती है और कितने सभासद है इसके अंदर? मेरी यूनियन देखो कहाँ कहाँ चलती है, कितने सभासद है, इसका मैं आपको एक एक सैंपल देता हूँ कि जब मैं यूनियन बनाने के लिए खड़ा हुआ था तो मेरे साथ 8 लोग थे और 8 से कारवा चलते गया, लोग जुड़ते गए, 8,000 लोग जुड़े मुझसे। मेरी यूनियन गायमुख थाना गोलबंदा रोड बालकुम इंदिरा नगर कोपरी थाना शहर की बात कर रहा हूँ, कलवा खारेगांव मुमरा दीवा डील डाइगर और आगे बढ़ते जा रहे हैं व्योंडी, जहाँ जहाँ के सभासद बनना चाहते हैं मैं बनाते रहता हूँ, यूनियन बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरीके से हमारा काम बढ़ते जाएगा, लोगों की हम सेवा करते रहेंगे। मैं सानेशी कैमरामैन असलम के साथ फिर हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। ऐसी खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update.